सकते यार, इलीगल काम नहीं करना। नर्वसनेस हो रही थी ना, अभी वो कॉन्फिडेंस में बदल रही है। ये 5 स्टूडेंट्स हमारे कॉलेज के हैं, जिनमें से 4 हमारे सीनियर्स हैं और एक मैं हूँ। ये गाड़ियाँ फुल हो गई हैं, ऐसे लग रहा है जैसे मैं कहीं कुश्ती करके आया हूँ। और सर काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं, उनकी बातचीत करने का तरीका भी अच्छा है। हमने सोचा पता नहीं कैसे होंगे। सर हैं, उन्होंने हमारे लिए रिफ्रेशमेंट मंगवाई है। तो अगर आप पहली बार आए हो मेरे ब्लॉग में, तो अभी हमने देखा ही क्या चाय के बारे में, आप देखते जाओ आगे। अभी हम पीते हैं चाय और खाते समोसा, उसके बाद मिलता हूँ। तो अभी बस आ चुकी है, बिलावर वाली है ये, कठुआ जाएगी, बिलावर से कठुआ। गाइस वैसे तो बस की डोर में नहीं खड़ा होना चाहिए, रिस्की होता है, बट एक फायदा होता है उसका कि बंदे का हेयर स्टाइल ठीक हो जाता है। जैसे मेरा हेयर स्टाइल सुबह नहीं ठीक था, अभी ठीक हो गया, प्लस पॉइंट है यार। प्लस पॉइंट को गोली मारो, नेगेटिव पॉइंट देखो आप। ये देखो भाई, ये बिल्कुल 2 यूवी डाली थी मैंने और ये बिल्कुल डस्ट से भर गई है। ऐसे लग रहा है जैसे मैं कहीं कुश्ती करके आया हूँ। अभी क्या करूँ मैं, ना ये साफ़ हो रही है क्योंकि न्यू पेंट है, तो 4-5 बार ही डाली है मैंने, तो साफ़ ही नहीं हो रही अभी ये। तो यार इंट्रो देना तो भूल ही गया। सो हाय गाइस, मेरा नाम है मोहित, आप देख रहे हो मेरे यूट्यूब चैनल मोहित ग्रो व्लॉग्स। कैसे हो आप, उम्मीद आपसे बढ़िया होंगे। तो दोस्तों आप सब देख रहे होंगे मैं आज यहाँ पे GMC में क्यों आया हूँ। तो यहाँ पे मैं इसलिए आया हूँ क्योंकि यहाँ पे ना कोई 31 और 1 तारीख को ना यहाँ पे एक फंक्शन ऑर्गेनाइज किया गया GMC कठुआ के द्वारा, नर्सिंग प्रोफेशन से रिलेटेड। तो हम 15 स्टूडेंट्स की यहाँ पे ड्यूटी लगी है, 5 स्टूडेंट्स हमारे कॉलेज के हैं, जिनमें से 4 हमारे सीनियर्स हैं और एक मैं हूँ, अपनी क्लास का मैं अकेला ही हूँ। तो थोड़ी नर्वसनेस फील हो रही है। तो 10:30 का टाइम दिया था मैम ने, अभी 10 बजे हैं, तो मैं एडवांस में आ गया हूँ और चलेंगे ऊपर वाले GMC में। न्यू बिल्डिंग घुमाऊँगा आपको GMC की, तो बने रहे व्लॉग में। कपड़ों की हालत इतनी ख़राब हो चुकी है ना, मुझे पहले पता था तो मैं डोर में खड़ा ही नहीं होता, बट गाड़ी में थोड़ा रश था इसलिए मेरे को डोर में खड़ा होना पड़ा। और हमारे उधर लगा रोड का काम, तो डस्ट उड़ती है ना, तो वो सारी आगे कपड़ों को लगी है। एंड पूरे मेरे ब्लैक ड्रेस, पूरे मेरी यूनिफॉर्म भी ब्लैक है, सो वो गंदी होगी यार सारी। अब मैं साफ कैसे करूँ समझ नहीं आ रहा है। सच बताऊँ तो थोड़ी नर्वसनेस भी हो रही है क्योंकि अपनी क्लास का मैं अकेला हूँ, बाकी जो 4 हैं वो मेरी सीनियर दीदी हैं, तो मैं अकेला हूँ अपनी क्लास से। पता नहीं क्या वहाँ पे परफॉर्मेंस करनी है या क्या करना है। आज हमें हमारी ड्यूटीज बताएंगे कि हमारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ रहेंगी इस फंक्शन में, तो थोड़ी नर्वसनेस हो रही है। वैसे हमारे क्लास टीचर भी आने वाले हैं अभी थोड़ी देर में, मैं थोड़ा पहले आ गया था, 10:30 की टाइमिंग थी, अभी 10 बज रहे हैं। तो पहले चाय शाय पीते हैं यहाँ पे, उसके बाद चलते हैं फिर ऊपर वाले GMC में, जो GMC की गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज कठुआ की न्यू बिल्डिंग बनी है ना, वो दिखाता हूँ आपको। एंड चाय पीते हैं पहले। तो सुबह सुबह का कुछ ये सीन है, देख सकते हो आप। वैसे यार ऊपर आज क्लाउड्स बड़े सुंदर लग रहे हैं। 9:53 एंड देखो गाइस कपड़ों की हालत देखो यार, क्या ही करूं मतलब। मुझे लगता है यार 3 महीने जो यहाँ पे ड्यूटीज दी ना, सबसे ज़्यादा चाय मैंने पी है इस कैंटीन में 3 महीने स्टूडेंट्स में से। और अगर कोई और है जिसने मेरे से भी ज़्यादा चाय पी है तो कमेंट बॉक्स में बता सकता है। फिलहाल यहाँ पे भी बिल्डिंग्स का काम लगने वाला है, वो वहाँ पे आगे काम लगा भी हुआ है। एंड तो भाई साहब मौसम देख रहे हो आप पीछे, तो इस मौसम में ये कड़क चाय, समझ सकते हो ना कितना मज़ा आया। तो बस यही मज़ा ले रहा हूँ मैं, और आप भी मेरे साथ वीडियो को देखते देखते यही मज़ा लीजिए। एंड घर पे चाय बना के पी लीजिए, और मैं इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकता, बट मौसम देखो यार। वैसे यहाँ ड्यूटीज़ देने के बाद ना अभी यहाँ से कॉलेज जाने का मन नहीं करता, सच्ची बात है जो। बट अगर बंदा 2-3 महीने कॉलेज चला जाए ना, फिर यहाँ आने का मन नहीं करता। तो ये सच है कि जहाँ पे मतलब 2-3 महीने बंदा स्पेंड कर देना, वहाँ की आदत बढ़ जाती है फिर। तो अभी मैंने कह रहा है कि अंदर जाके ड्यूटी दूँ, काम करूँ, बट नहीं जा सकते यार, इलीगल काम नहीं करना। जब ड्यूटीज लगेंगी तब भी लगाएंगे, ऐसे नहीं। तो भाई सुबह से 2 कप चाय तो पी लिया अभी, और यहाँ भी आप देखते जाओ। अगर आप पहली बार आए हो मेरे ब्लॉग में, तो अभी हमने देखा ही क्या चाय के बारे में, आप देखते जाओ आगे आगे। ये भी न्यू बिल्डिंग बन रही है यहाँ पे, मेरे को लगता है वार्ड से शिफ्ट करेंगे यहाँ पे गायनी वगैरह, क्योंकि गायनी वार्ड काफ़ी हेक्टिक वार्ड है, तो शायद यहाँ पे शिफ्ट करते हैं वार्ड को। जो GMC का AMT स्कूल है वो तो उस साइड है, एंड यहाँ पे NS कैफे, यहाँ से भी अंदर जाने के लिए रास्ता है, पर यहाँ पे शायद बंद कर दिया इन्होंने। गाइस अभी मैम का कॉल आ गया है, तो वो बुला रहे हैं,
चलते हैं, मैम आ गए हैं अभी, और चलिए फिर चलते हैं ऊपर वाले जीएमसी में। सबसे जरूरी चीज़ होती है मास्क, तो मास्क मैंने डाल लिया, अभी चलते हैं, अभी कोई प्रॉब्लम नहीं। और गाइस वो है सामने जीएमसी की बिल्डिंग, जीएमसी कठुआ की, जहाँ से मैं पहले व्लॉग शूट कर रहा था वो एसोसिएटेड हॉस्पिटल है। अभी यहाँ पे जो सर हैं जिन्होंने प्रोग्राम ऑर्गेनाइज्ड किया है, तो वो हमें समझा रहे हैं। इतनी नर्वसनेस हो रही थी ना, अभी वो कॉन्फिडेंस में बदल रही है, और सर काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं, उनकी बातचीत करने का तरीका भी अच्छा है। हमने सोचा पता नहीं कैसे होंगे, तो अभी वो हमें समझा रहे हैं हमारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या हैं और क्या क्या रोल्स रहेंगे। तो अभी सर गए अंदर प्रिंसिपल सर के पास, तो तब तक हम उनका वेट करते हैं, एंड उसके बाद फिर से हम अंदर जाएंगे, फिर हमें वो फिर से समझाएंगे, एंड मैं मिलता हूँ आपसे उसके बाद जब हम फ्री होते हैं। ठीक है, अंदर शूट नहीं कर सकता ना क्योंकि फर्स्ट डे है अभी, तो बाद में घुमाता हूँ आपको पूरा जीएमसी। इस तरह का है कैंपस, ये गाड़ियाँ फुल हो गई हैं, एमबीबीएस के बच्चे यहाँ पे जाएंगे हॉस्पिटल इनमें बैठ के ड्यूटीज़ के लिए। हम जा रहे हैं फिर से अंदर, सर बुला रहे हैं हमें। किन्होंने गाइस ये वाला हॉल है जहाँ पे होगा एमडीपी प्रोग्राम, तो अभी यहाँ पे तैयारियाँ चल रही हैं इसकी, देखते हो मेरे पीछे, तो अभी सर आएंगे। ये मेरे पीछे जो कैंटीन, तो ये बोल रहे हैं आज यहाँ साफ़ सफाई चल रही है और आज कैंटीन बंद है। देखो इतनी किस्मत ख़राब, सुबह से खाया भी कुछ नहीं और इधर ऑलरेडी कुछ नहीं मिल रहा। अभी यहाँ पे आस पास में कोई शॉप भी नहीं है और ना कोई और कैंटीन है, तो आज रहे हम भूखे ही। तो ये समोसे मंगवाए हैं हमने दीदियों से बाहर से, तो अभी खाते हैं इनको। अभी जो प्रोग्राम होना है यहाँ पे 31 और 1 को, तो हम सारे यहीं पे आएंगे। वैसे हमें कल संडे, संडे को भी बुलाया है और परसों भी आना है हमने, हमने तो आते रहना अभी 1 तारीख तक यहाँ पे स्टूडेंट्स ने और टीचर्स वगैरह ने, तो देखते हैं उस दिन क्या होता है। थोड़ी एक्साइटमेंट भी है और थोड़ी नर्वसनेस भी फीलिंग हो रही है, वैसे अच्छा लगा मेरे को। तो अभी हम जाने की तैयारी में, अभी देखते हैं कितनी देर और रोक के रखते हैं हमें, क्योंकि बाकी सारा स्टाफ उधर प्लानिंग सेक्शन में प्लानिंग कर रहे हैं वो। तो गाइस ये पीछे हैं जो, ये शायद हॉस्टल्स वगैरह हैं। तो जो हमारे सर हैं उन्होंने हमारे लिए रिफ्रेशमेंट मंगवाई है, तो ये देख सकते हो आप समोसे एंड चाय, हमारी रिफ्रेशमेंट आ गई है। गाइस अभी हम खा रहे हैं समोसा, ये हमारी रिफ्रेशमेंट एंड विद चाय, एक बार फिर से चाय, दिन की चौथी बार चाय। अभी हम पीते हैं चाय और खाते समोसा, उसके बाद मिलता हूँ बाद। गाइस खाना पीना हो गया फिनिश, एंड ये जाएगा डस्टबिन में, डस्टबिन आगे ओवरलोडेड है यार। तो गाइस एक कप और चाय, क्योंकि यहाँ पे चाय बहुत ज़्यादा है, तो मैंने सोचा एक कप और ही पी लेते हैं। बात चाय की आती है ना, तब मैं कैसे पीछे रह सकता हूँ, तो इसलिए एक कप और चाय। ये मुझे लगता है सुबह से मेरा 4th-5th कप हो गया है। ओके गाइस, तो अभी हम यहाँ से हो गए हैं फ्री, अभी टाइम हो रहा है 3:30 का, एंड यहाँ से हो गया हमें छुट्टी, अभी चलते हैं घर की तरफ। पहले मैंने बाजार भी जाना है बट मेरा फ़ोन डेड हो गया अभी। तो आज के व्लॉग में बस इतना ही, मिलते हैं आपसे किसी और नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक अपना ख्याल रखें। जय हिंद, वंदे मातरम, भगवान करे आपके दिन शुभ हो, टाटा एंड बाय बाय।